सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती या कुर्ता की कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारे पास नाप है, इसकी लंबाई है वो 36 है, चेस्ट है वो 18 है, कमर है वो 21 है। ये हमारे पास कपड़ा है, पहले हम ये बीच वाला फूल इस तरीके से डबल करके इसको निकालेंगे। यहाँ से हम लंबाई लेंगे वो 2 इंच बढ़ा के लेंगे, 38 लंबाई ली है हमने। इसके शोल्डर है वो है 11.5, हम यहाँ से इसके शोल्डर लेंगे, आरुमल लेंगे वो 6.5, चेस्ट हम 10.5, यहाँ से कमर 11 इंच हम यहाँ से कमर देंगे। इसका नीचे का जो घेर है उसकी चौड़ाई है 22, तो हम ये 22.5 लेंगे। तेईस इंच की ये हमने लंबाई से कमर का नाप लिया है 11 इंच। अब हम ये आगे का पल्लम निकालेंगे। अब हमें ये दामन खोलना, जैसे हम इसको कहाँ से खोलेंगे, इसका हम नाप लेंगे। ये 20 इंच की लंबाई से खुला हुआ है, अब हम इसको 20.5 पे निशान लगाएंगे कैंची का। इसके नाप का हम पीछे का पल्लम निकालेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से पीछे का पल्लम निकालने के लिए एक कपड़ा हमने डबल किया है। अब हम इसमें से बाजू निकालेंगे। ये हमारे 4 पल्लम है। बाजू की लंबाई हमने 17 इंच ली है, चौड़ाई 8 इंच। अब हम यहाँ से 2 इंच लेंगे, बाजू की मोरी है वो है 5 इंच, इसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। ये हमारे बाजू कट गए। अब हम पीछे का गला चौड़ाई में 2 इंच लेंगे, 5 इंच लंबाई में। अब हम इसको गोल शेप देंगे। ये हमने पीछे का गला काट लिया। आगे का गला हम बुकरम से बनाएंगे। ये हम पीछे के पल्लव पे रख के गले को निकालेंगे और
और इसका हम बुकरम का गला बनाएंगे आगे वाला। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। पहले हम आगे का गला निकालेंगे। तो ये हमारी बुकरम की चौड़ाई है वो है 7.5, लंबाई है वो है 7। अब हम बुकरम को डबल करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच चौड़ाई, गले की 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे। लंबाई लेंगे हम 6 इंच। इस तरीके से हम इसमें कटिंग करेंगे। एक कपड़े के ऊपर रख के हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम कपड़े को एक बुकरम के ऊपर दबाएंगे। अब हम इसको डबल करके यहाँ पे कैंची का कट लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी कट लगाएंगे। अब हम बीच में सिलाई लगाएंगे। अब हम बुकरम के बगली से सिलाई लगाएंगे। अब हम ये बीच का कपड़ा काटेंगे। इसको हम अंदर के साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हमने ये चौकुटा कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हमने पीछे का गला रख के फूल सिलाई लगाएंगे। अब हमने बीच का कपड़ा है उसको काटेंगे। ये हमारा पीछे का कपड़ा है उसको भी हम गोल शेप देंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अंदर का कपड़ा दबाते हुए। अब हम आगे का पल्ला इसमें जोड़ेंगे। अब हम चौक से इस पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से इस पे भी निशान लगाएंगे। अब हम बगली की चाक बनाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से रख के इसको हम एक सा काटेंगे।
ये हमने नीचे के चाप काट लिए। अब हम इसको अंदर की साइड दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे से इसको एक सा काटेंगे, ये हमारे पल्ले जो छोटे बड़े हो रहे हैं। अब हम इसको अंदर की साइड दबाएंगे। अब एक सिलाई हम इसके बगली से लगाएंगे। अब हम इसकी फिटिंग का नाप लेंगे। आधा आधा इंच हम सिलाई में और दबाएंगे इसको। अब हम बाजू को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बाजू पे मोरी पे सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ये बीच वाला हिस्सा है। अब हम यहाँ से मोरी का नाप लेके फिटिंग करेंगे। अब हम दूसरी मोरी का नाप, जो हमारी पहली मोरी है, से हम नाप लेके इस पे भी फिटिंग करेंगे। ये मोरी हमारी 5 इंच चौड़ाई में ली है, 10 इंच की मोरी है। अब हम यहाँ पे बीच में कट लगा देंगे, जिससे हमें सीधा करने में आसानी होगी। ये हमने कट लगाया है तो ये इस तरीके से अच्छे तरीके से सीधा हो गया है। ये पीछे का गला है, इस पे हम इसको अंदर की साइड दबा के इस तरीके से तुरपाई करेंगे। ये अंदर की साइड हम दबाते हुए
ये हमने तुरपाई कर दी। ये बन गया हमारी कुर्ती। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।